हंगेरी शेंगेन जोन से बाहर हो रहा है। इस टॉपिक पे बहुत सारे हमारे यूट्यूबर साथियों ने वीडियोस बनाए हैं और आज के इस वीडियो में मैं आपके इस सवाल का आंसर देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे सवाल व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के पूछा है, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज भेज के पूछा है। अब देखिए, जहाँ तक हम बात करें कि क्या हंगेरी शेंगेन जोन से बाहर हो सकता है, एक चीज़ हम समझ लेते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन है उसके 67 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा है कि जो हंगेरी ने नए रूल्स लाए हैं इमिग्रेशन को लेके, फॉर एग्जांपल अब इस साल के शुरू में इमिग्रेशन के रूल्स चेंज हुए हैं हंगेरी के और नई कैटेगरी के रेजिडेंस परमिट इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो मैं वेबसाइट पर देख रहा था, अब एक जो कैटेगरी है वो है नेशनल कार्ड, उसके लिए रशिया और बेलारूस दोनों के सिटीजन्स एलिजिबल हैं। इसके अलावा टोटल जो कंट्रीज़ हैं वो 8 हैं। तो ये नहीं है कि ये जो नेशनल कार्ड है इसके लिए सिर्फ रशियंस और बेलारूस के ही जो लोग हैं वो एलिजिबल हैं, क्योंकि इस समय यूरोपियन यूनियन और रशिया और बेलारूस के बीच में बन नहीं रही है, उसके पीछे कई रीजन्स हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। तो बेसिकली ये जो नेशनल कार्ड है इसके लिए एलिजिबल है बोस्निया एंड हर्जेगोविना के सिटीजन्स, या रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया के सिटीजन्स, रिपब्लिक ऑफ बेलारूस के सिटीजन्स, मोल्दोवा के सिटीजन्स, रिपब्लिक ऑफ मॉन्टेनेग्रो के सिटीजन्स, रशियन फेडरेशन के सिटीजन्स, सर्बिया के सिटीजन्स और यूक्रेन के सिटीजन्स। तो यहाँ पे बेसिकली जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, रशिया के साथ साथ यूक्रेन भी है। अब जो बेसिकली यूरोपियन यूनियन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 67 है, जैसा कि बहुत सारी न्यूज़ वेबसाइट्स में रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि इससे जो रशियंस हैं और जो बेलारूसियन हैं वो शेंगेन जोन में एंटर करके मतलब शेंगेन जोन की शांति को भंग कर सकते हैं और वहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो यूरोपियन यूनियन के सिटीजन्स के लिए सेफ़ नहीं हो। तो उन्होंने ये भी मांग की है कि हंगेरी के जो यूरोपियन यूनियन के साथ बॉर्डर्स हैं उसको सिक्योर किया जाए और वहाँ पे बेसिकली बॉर्डर कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा इस स्टेज पे इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि टोटल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में वो 720 हैं और ये 67 मैं कहूँगा 10% भी नहीं है। और मुझे लगता है कि इस स्टेज पे इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि नियर फ्यूचर में हंगेरी शेंगेन जोन से या यूरोपियन यूनियन से बाहर नहीं होने वाला है, तो इसलिए आप इस तरह की खबरों पे मत जाइए। इनफैक्ट एक इस खबर में ना एक और जो मेजर एरर है उसमें कहा गया है कि जो रशियंस और बेलारूसियन हैं वो गेस्ट रेजिडेंस परमिट या गेस्ट वर्कर के एलिजिबल होंगे। मैं वो भी लिस्ट देख रहा था, बेसिकली ये जो कंट्रीज़ हैं जहाँ के लोगों को रेजिडेंस परमिट फॉर गेस्ट वर्कर्स मिलेगा वो हैं फिलीपींस, रिपब्लिक ऑफ मैसिडोनिया, रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, मंगोलिया, वियतनाम, ब्राज़ील, जॉर्जिया, किर्गिज़ रिपब्लिक, देन बोलोवियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला एंड रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया। तो बेसिकली एक जो एरर है जिसको शायद पढ़ के कुछ हमारे यूट्यूबर साथियों ने वीडियोस बनाए हैं उसमें नेशनल कार्ड की जगह रेजिडेंस परमिट फॉर गेस्ट वर्कर्स लिखा हुआ है। तो मैं कहूँगा कोई भी आप इंफॉर्मेशन देखें या न्यूज़ देखें उस पर इनडेप्थ रिसर्च करें और बेसिकली ऐसे इस तरीके से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।